आज जो बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूं ना, आप लोग शौक रह जाएंगे। हैदर का ऐसा स्टेटमेंट आया है जो कि मोमिन मलिक सर अगर सुनेंगे तो वो भी कह देंगे कि सच में ये कहावत है ना कि पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते, तो ये अब टैग लग रहा है। गुलाम हैदर ने एक रुपया नहीं लगाया अपना, एक रुपया, और बातें इतनी बड़ी बड़ी बोल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, केस है, बच्चों का खेल नहीं है गुलाम हैदर, ये मैं तुझे बता दूं। ठीक है, साल से दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं, कभी केस लड़ा है तूने? बैठ के बातें बनाने से कुछ नहीं होता। तेरे कहे अनुसार अगर तुझे भारत में बुला ले और कल को कोई बात हो जाए फिर क्या करेगा? फिर तू कहेगा हमें तो मोमिन मलिक सर ने फंसा दिया। कितने सारे यूट्यूबर्स तेरे सपोर्ट में खड़े हैं, कितने सब लोग तेरे को सिर्फ यही चाहते हैं कि तेरे बच्चे तुझे मिल जाएं। तू तो सोचे कि आंख बंद हो और आंख खुले तो बच्चे मेरे सामने हो, ऐसा हो सकता है? तूने जब क्यों नहीं रोका अपनी लुगाई को? क्यों नहीं रोका तूने अपनी लुगाई को? तेरे पे जब रुकना चाहिए था ना, अब तेरे पे रुक नहीं रहा, अब बो करे जा रहा है। इतना दम होता, इतनी तुम्हारे अंदर गुर्दे होते ना, तुम्हारी लुगाई तुम्हारे घर में बैठी होती, यहाँ पे भगोड़ियों की तरह भाग के ना आई होती गैर कानूनी तरीके से। बोलना बहुत आसान है, तुमने आज जो बोला है ना मोमिन सर के लिए वो बहुत गलत है। ठीक है, इंसानियत के नाते वो तुम्हारा साथ दे रहे थे और तुम इतना इतना बोलोगे? केस है, जिसको जो चीजें लगी उन्होंने वो बात कही, बताओ कौन सी बात गलत कही उन्होंने? उनको जहां पे जो चीजें थी, भारत में अगर भारत से केस लड़ा जाएगा तो पाकिस्तान से बैठ के कौन केस लड़ लेगा? क्योंकि पाकिस्तान से जो भी बंदा तेरे साथ बैठ के केस लड़ता ना, वो तेरे से पैसा लेता। पैसा तो दे नहीं देता, फ्री में तुझे केस भी लड़वाना था, और तेरा केस भी लड़ रहे हैं, प्रूफ भी ढूंढने जा रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, तो तुझे तकलीफ भी हो रही है। तेरी बेटियों के बारे में कोई नहीं बोल रहा, तेरी बेटियों के बारे में तेरी लुगाई बुलवा रही है। ठीक है, वो गंद बोलती है जब लोग आके अपनी स्टेटमेंट देते हैं। आज तू यूट्यूबर्स के ऊपर उंगली उठा रहा है, आज तू मोमिन मलिक सर के उंगली उठा रहा है कि मेरे लिए, मेरे को तो सबने यूज किया, मेरे को, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सुनाती हूँ, सुनो, आपको सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूं। पूरी वीडियो पूरा देखना, उसके बाद कमेंट करके बताना कि क्या ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए अब हम भारतीयों को, जो कहते हैं ना कि हम जितना कर रहे हैं हमारा करा किसी को नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा इन लोगों को, और पता नहीं कभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये खुद इतने अंदर, इनके पेट के अंदर पाप है, कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हारी बात कर रहे थे, तुम्हारी इंसानियत के नाते लड़ रहे थे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहे थे। आई बस समझ में कि तेरे बच्चे तेरे को मिलने चाहिए? तू रोया था यहां पर बैठ के यूट्यूब पर, भूल मत इन बातों को। तूने हाथ जोड़े थे सभी बहनों के सामने, सभी माओं के सामने, सभी भाइयों के सामने, हमारी मोदी सरकार के सामने। कुछ हुआ? मिला कुछ? नहीं मिला ना? सुनो सुनो और पूरा वीडियो सुनिएगा। क्या कहे? मैं बिल्कुल जो है ना होश आवाज में हूँ और मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। लोगों को सुन के मेरे कान पक गए। यार हमने ऐसा दुआ नहीं किया था कि कोई भी आए सोशल मीडिया में एक्टिवेट हो जाए, सालों साल केस को लंबा कीजिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। हमने सोचा सिंपल केस है, बच्चे मेरे हैं और एक रिपोर्ट डालेंगे, बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे। मतलब पहले केस कहाँ था, फिर बाद में किसके पास आया, अभी किधर है और अभी किधर जाएगा, कोई समझ में मुझे नहीं आ रहा। यार उनके भी बच्चे होंगे, उनकी भी बेटियां होंगे, यार अगर कर रहे हैं तो लीगल अगर एक्शन उठाए तो ठीक है, ना उठाए तो बंदा बोल दे भाई हमारे से नहीं हो रहा है, आप अपना रास्ता अख्तियार करो। दुनिया में बहुत सारे महान लोग पड़े हुए हैं, अल्लाह पाक इज्जत दे। एक बाप 6 महीना किसके पीछे भागे, 6 महीना किसके बाद? तो भैया उन महान लोगों के पास क्यों नहीं गया तो अपनी केस लेकर? क्यों उन महान लोगों ने तेरा साथ नहीं दिया? बिना पैसे के कोई नहीं लड़ता, भारत का मोमिन मलिक है। आई बस समझ में, बजरंगी भाई जान है जो बिना पैसे की तरह केस में लड़ रहा है, तन मन धन लगा रहा है। कौन वो कार्रवाई करने के लिए अपने आप खुद जाता, वकील कोई नहीं जाता। आई बस समझ में, कोई वकील नहीं जाता कार्रवाई करने के लिए, वो गए तेरे बच्चों के लिए। अब बड़ी मिर्ची लग रही है तेरी लुगाइयों की, फिर बात आ रही है तो सुनो और सुनो। पीछे भाग गए एक साल, किसके पास? ऐसा दिन देखे थे हम लोगों ने, किसी ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जो भी आया हमें ही तबाह किया, जो आया सब तबाह किया। बातें हो रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं, पता नहीं ऐसे। यार उनके घर पे भी बच्चे होंगे, फैमिलियां होंगी, बेटियां होंगी, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता सिर्फ बातों तक ये महदूद होता, शाम को बैठ के मैं ऐसे हम फड़फड़ा हूँ, ये किया वो किया, आगे गया इधर किया, ऐसे नहीं होते। करना है तो देखो करो, नहीं करना है तो आप हाथ खड़ा करो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह पहले भी चला रहा था, आप भी चलाएगा। केस कौन सा है, बातें कौन सी हो रही है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर किसी को कर रहे ठीक है, नहीं कर रहे बंदा आके बोले भाई हमने हाथ, आप अपना कोशिश करो, सीधी बात है ना।
बने रहिए बने रहिए, जो होते हैं ना वो भी खत्म हो चुके हैं, लोगों ने सिर्फ हम इस्तेमाल ही किए आज तक, तकलीफ होते है, गर्म सकते हो, घंटे फिगर में डाल सकते हो, फिर जीना मरना है, उसको करना ही है, नहीं करना है तो हाथ खड़े करो बस भाई, हमसे नहीं हो रहा है बात, नहीं ना हो तो भाड़ में जाए, ये सहारा नहीं है, रोल सहारा होगा, किसी के बच्चे जाए, घर चला जाए, लोगों को सिर्फ बातें चाहिए, ना करो आपको किसने नहीं कहा, सपोर्ट करें, नहीं करो, अगर कोई नहीं बात नहीं, नहीं कर सकता, आगे बढ़ा नहीं सकता, इससे अच्छा है वो खामोशी से रास्ता अख्तियार करे, अंसार बने का गया, पहले रोशन अजीम था, अब सुनिए मोमिन मलिक साहब का उन्होंने केस खींचा, अभी छह महीना होने वाला है, मोमिन मलिक साहब ने केस को खींचा, कहाँ होने वाला है, मोमिन मलिक साहब ने केस को खींचा, कहाँ जाए हैदर, सुना आपने, छह महीना होने वाला है, मोमिन मलिक सर केस खींच रहे हैं, साल भर से भगोड़ी के भाई के पास केस था, क्या किया, कौन सी कार्रवाई हुई, जवाब दे, सही करते हैं तेरे साथ, अभी तूने जो बोला है ना हमारे मोमिन मलिक सर के लिए, इसके लिए तुझे माफी मांगनी होगी हैदर, ठीक है, वरना इंसानियत के लिए इंसान आगे कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे जब एहसान फरामोश लोग मिलेंगे ना तो कोई इंसानियत के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा कभी किसी के लिए, माफी मांगनी होगी हैदर, जो बात तुमने मोमिन मलिक सर के लिए कही है वो बहुत गलत है, उनका काम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उनका बोलना तेरे बच्चों के लिए बोल रहे हैं भाई, और किसी के लिए नहीं बोल रहे, ठीक है, जब उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है जब तो तू नहीं बोलता, जब उनके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है जब तो तू सामने आके वीडियो नहीं बनाता, क्यों लाइव में बैठ के जब क्यों नहीं बोलता कि मोमिन मलिक सर बिल्कुल सही है, इंसान अपने बारे में बोले भी ना, अपने बारे में बात भी ना करे, इतनी इज्जत की तुम्हें प्यारी थी तो तुमने अपनी घरवाली पे क्यों रोक नहीं लगाई, क्यों उस बोडली को तुमने इधर उधर हांडने के लिए भेज दिया, सुनो आगे सुनो अब पता चलेगा आपको, अभी तो बहुत बाकी है, सुनो तसल्ली से, हैदर को आप बताओ मैं बिजली पे अभी हाथ लगा के, नहीं नहीं सुनिए सुनिए आगे सुनिए, रुक जाइएगा, नहीं सुनिए, करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं आखिर, जिसको हमने आगे किया उन्होंने हमें बर्बाद किया, यकीन मानो तकलीफ होता है, आज केस पे हाथ डाल लो तो फिर बात का यूट्यूब कुछ नहीं होता, उनको केस पे फोकस होना चाहिए, बात करें लीगल आगे, मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने वो किया, ये वो से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है, नहीं बैठ के मैं शोशे छोड़ू यूट्यूब पे, आज मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने क्या, बच्चे आए हाँ सीमा जेल हो गया, क्या हुआ आज तक, आज तक हमें जो भी मिला हमें ही तबाह किया, एक टक्के का काम होता ना फिर भी मैं सोचता वाकई किसी ने काम किया, हमने तो नहीं सोचा कि कोई भी बैठ के ऐसा जो है ना मीडिया के अंदर जो है केस को सोल्व करता है, जो हमें इस्तेमाल करना नहीं है, एक बात बताऊं ये इंडिया की बात नहीं है, केस में टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, ठीक है, बच्चों का खेल नहीं होता केस जीतना केस हारना, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अब तक क्यों नहीं बुलाया गया भारत में, अरे जब टाइम लगेगा तुम्हें बुला लेंगे, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं लग रही है, जब तुम्हारी जरूरत लगेगी जब कोर्ट बोलेगा, तुम्हारी भी तो सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, तुम्हें बुलाने के लिए पैसा लगा रहे हो तुम कि तुम भारत आओगे तुम अपना वीजा बनवा रहे हो इन सब चीजों की तैयारी करवा रहे हो, उसके लिए भी तो मोमिन मलिक सर कर रहे हैं ना, जितना तुम्हारे लिए करते जा रहे हैं उतना ही आज की बात तुम्हारी बहुत ज्यादा दिल को ठेस पहुंची है, बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है दिल को कि तुमने आज हमारे मोमिन मलिक सर के लिए ऐसे शब्दों का यूज किया है जो कि आपको कभी नहीं करना चाहिए था, सच बता रही हूं मैं, कभी नहीं करना चाहिए था, तुमने अपने आप को गलत और अपनी भगोड़ी को सही साबित कर दिया है, वो कहती थी ना कि हैदर ऐसा है हैदर वैसा है, मत करो उसके ऊपर भरोसा मत करो, हम जानते हैं कि वो कैसा है, तूने आज उसको सही साबित कर दिया, ऐसी गलती कर तू गलत हुआ वो सही साबित हुई, उसने तेरे बारे में जो जो बात कही थी ना वो एक एक बातें आज तूने ये सब बोलकर एहसान फरामोश वाली बातों को बोलकर तूने सब चीजें सही साबित की कि वो सही बोल रही थी और तू गलत बोल रहा है, आज भी हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे कल भी हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे भारत में गैर कानूनी तरीके से आई है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे उसका, तू सोच रहा है कि तेरे बारे में बुराई करके उसके बारे में भलाई करेंगे, ना जी ना, हमारे गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में एंट्री ली है, ऐसे आतंकवादी लोग घुसते हैं, घुसपेटिया लोग घुसते हैं ऐसे, ठीक है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो तूने आज मोमिन मलिक सर की बेइज्जती की है ना ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, अभी सुनो आगे जाओ मत, बहुत बाकी है, पूरी दुनिया को पता है जब पाकिस्तान के मचे
एक बात बताओ, चलो इंडिया की गवर्नमेंट नहीं कर रही तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? कितना तुम्हारे लिए आवाज उठाई उन्होंने, कितना तुम्हारे लिए किया, बोलो ना। दूसरे के पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, अपनी सरकार के पर उंगली उठाओ। क्यों तेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आई तुम्हारी सरकार? क्यों तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही इंसाफ मांगने के लिए? क्यों तेरी आवाज में सच्चाई लोगों को नजर नहीं आ रही? मोमिन मलिक सर के लिए बहुत गलत बोला तूने, आगे सुनो। अभी वहां पे जाते हैं उनको फौरन जेल में रखते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाता है, सात साल उनको सजा देते हैं जेल में रखते हैं, उसके बाद डिपोर्ट करते हैं। और ये खुलेआम नाच खुलेआम जा रहे हैं, खुलेआम पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, खुलेआम गाली दे रहे हैं। गरीबान के भाग क्या छुपा हुए नजर नहीं आ रहे? आप पहुंच नहीं सकते तो केस को मत करो, आज ही खत्म। इसी को आगे आना है तो आए, मत आए तो हाथ खड़ा करे, भाई हमने केस छोड़ दिया, हम इसका काबिल नहीं है जो हम आगे केस लड़ सकें, जीत सकें, आपको बच्चे दिलवा। अरे उन्होंने ऐसे ऐसे केस लड़े हैं ना, जीते भी हैं, ठीक है, उन्होंने केस लड़े भी हैं और जीते भी हैं, और उन केस के साथ साथ ना उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है जो सामने वाली पार्टी है। तो केस केस की तरह चल रहा है, जैसे बात यूट्यूब पे सामने आएगी वैसे ही वो अपनी लाइव में आकर जवाब देंगे। उनके साथ साथ उनके सारे व्यूवर्स वो सब जानना चाहते हैं। एक इंसान झूठ पे झूठ परोसे जा रहा है, बोडली और उसका भाई, और सामने वाला इंसान अपनी सच्चाई भी ना बताए। तुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मोमिन मलिक सर लाइव में आकर क्यों बात करते हैं, क्यों मेरी बीवी, कोई तेरी बीवी को बदनाम नहीं कर रहा, तेरी बीवी ने खुद ने ऐसे कांड किए हैं, ठीक है। अब तो चिट्ठे खुल रहे तेरे आगे, अब तो तू शर्मसार हो रहा है कि पाकिस्तान में तू जीने लायक बैठने लायक नहीं रहा लोगों के बीच में, कि तेरी बीवी ने तेरी नाक के नीचे कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, है ना। लाइव आकर भी क्या बच्चे पाकिस्तान पहुंच गए क्या, खुशखबरी दे रहे हैं, मुबारकबाद सबको दे रहे हैं। मेरे भाई आप बताओ, मोमिन मलिक साहब आए हैं तो बच्चे पाकिस्तान पहुंच गए, सीमा जेल चला गया, बताओ अगर हम बैठ के तालियां बजाएं भाई वाह 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 क्या होगा, हमको तो लुटेरे मिल गए, यकीन मानो मैं खुले अल्फाजों में बोलता हूँ, लुटेरे मिल गए भैया लुटेरे। सुनो, ऐसा ये गुलाम हैदर का कहना है, क्योंकि यह मोमिन मलिक साहब के काम से सेटिस्फाइड नहीं है। सुना भैया, मोमिन मलिक सर अपने काम को बखूबी तरीके से कर रहे हैं और इसको उनके काम में संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि इसने सोचा था कि मोमिन मलिक सर के हाथ में जब केस जाएगा तो महीने दो महीने में मुझे मेरे बच्चे मिल जाएंगे और मैं भारत में जाकर जो भी इनकी वो है उस चीज को पूरा करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट तो ये भारत में नहीं आ सकते। मोमिन मलिक सर अपनी जिम्मेदारी पे भारत में लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसके हर चीज में पैसा लगा रहे, 4 से 5 लाख रुपए अब तक खर्चा आ गया, शायद अब तक ज्यादा हो गया, ठीक है, और फिर भी ये बंदा कह रहा है कि इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत गलत किया है तूने, तूने अपने पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मारी है, तेरा जो साथ दे रहे थे तूने उनको ऐसे गलत बोल दिया, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद क्या तुम लोगों पे तो भरोसा ही नहीं है, नकल था ना आज था, पर एक इंसानियत के नाते जो तुम्हारा साथ दे रहे थे ना उन सभी यूट्यूबर्स को जो तूने दिखाई है ना, जो तूने उनको बताया है, उनकी जो प्रशंसा की है वो प्रशंसा आप समझ में आ रही है, आज तूने उनकी जो बुराई की है ना, और जो तूने अपने आप को अच्छा बताकर और तूने हम लोगों को गलत साबित कर दिया कि हम लोग गलत इंसान का साथ दे रहे थे, बहुत गलत किया, माफी मांगनी होगी भैया तेरे को। तुझे मोमिन मलिक सर से, हमारे भारत के यूट्यूबर से सबसे माफी मांगनी होगी, ठीक है, सबसे। जब तुम्हारी बात आती है, जब वो भगोड़ी अपनी बात को रखती है तो सही है, आज अगर जो भी बात कह रही है सुना रही है, जो भी कुछ हो रहा है तो तेरी करनी तो है, कहां था जब, जब कहां था, हम नहीं बोलना चाह रहे थे ऐसी बातों को, जब तेरी बीवी तेरी नाक के नीचे ऐसे गुल खिला रही थी, तेरे यार के साथ उठ रही थी बैठ रही थी सो रही थी, जब कहां था तू, आज तुझे इज्जत की पड़ी है, जिसने तेरी सारी इज्जत बेच खाई, मकान जमीन जायदाद मान सम्मान कुछ नहीं छोड़ा तेरे पास, और अब तुझे ये सब चीजें सामने नजर आ रही है, तूने सोचा सब कोर्ट में होंगी, अरे जब चप्पल जूते यूट्यूब पे सामने से लोग मार रहे हैं तो जवाब देने हम कोर्ट में जाएंगे क्यों भैया, जवाब भी यही मिलेगा, जवाब भी यही मिलेगा। भारतीयों को कमजोर समझने की गलती मत करना, ना हम कल कमजोर थे ना आज कमजोर हैं, दिल से सोचते बेशक हैं, इंसानियत के नाते खड़े होते हैं, पर अगर तुम लोगों को इंसानियत की कदर ना हो ना तो तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं होंगे, आई बे समझ में, क्या लगता है आप लोगों को कमेंट में बताइएगा।
क्या जो मैंने कहा वो सही है गलत मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और आपके कमेंट्स में आज रीड भी करूंगी और लाइक और शेयर जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो जरूर करूंगी। तो चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारे मोमिन मलिक सर के लिए है। आज उनके ऊपर उंगली उठाई गई है, उनकी मेहनत के ऊपर उंगली उठाई गई है, इंसानियत के ऊपर उंगली उठाई गई है। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा।